पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के नजदीक दौला गांव निवासी उदीयमान म्यूजिशियन एवं सिंगर मयंक कापड़ी इन दिनों अपने घर आए हैं। मयंक ने मशहूर संगीतकार एआर रहमान के सानिध्य में बॉलीवुड और दक्षिण भारत की कई फिल्मों में अपना संगीत और आवाज दी है। मयंक ने बताया कि अभी वह तमिल निर्देशक संतोष नारायणन के साथ काम कर रहे हैं। वहाँ संगीत अपनी संस्कृति की जड़ों से जोड़कर बनाया जाता है। मैं धीरे धीरे अभी क्या कर रहा हूँ कि अपना सामान जोड़ रहा हूँ यहाँ पे, एक प्रॉपर अपना वेल ट्रीटेड एक यहाँ पे अगर बन जाए स्टूडियो, ताकि लोग आके, मेरा मेन मकसद ये है कि यहाँ पे हमारे जितने आर्टिस्ट हैं, फोक आर्टिस्ट वगैरह, उनको किसी तरह से मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरे गुरु हैं संतोष नारायण, तो वो क्या करते हैं गाँव में जाते हैं अपना पूरा माइक वगैरह वाला सेटअप लेके और खुले मैदान में वहाँ जाएंगे, तो हमारे यहाँ जैसे ढोल दमाओं वाले होते हैं तो उनको रिकॉर्ड, तो वैसे ही उनके वहाँ पे पूरा ऐसा ग्रुप होता है उनको रिकॉर्ड करना, और वो चीज़ देखिए वो फिल्म में डाल देते हैं। अब जस्ट सोचिए कि ये इस तरह की जो विधा है, इस तरह की आर्ट है, एक बड़ी पॉपुलर करोड़ों की 100 करोड़ की पिक्चर में जा रहा है, मतलब ये मुझे उस चीज़ से बहुत ज़्यादा एक मतलब इंस्पिरेशन मिलता है। उन्होंने कहा कि उनका विचार पिथौरागढ़ में स्टूडियो बनाने का है, वह यहाँ की लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहते हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को सरकार ने हर गांव तक पहुंचाने का कार्य किया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया, योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार की और प्रदेश सरकार की योजनाएं पात्रता के आधार पर लोगों को मिलनी चाहिए, उसके लिए सरकार जनता के द्वार गई है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी उसमें सहयोग कर रहा है। जिन लाभार्थियों को लाभ मिला है उनसे भी हम लोग वार्ता कर रहे हैं, और जो लाभ से वंचित हैं उनको जल्दी से जल्दी कैसे लाभ मिले, इस योजना को क्रियान्वित करने का हर समय सरकार प्रयास कर रही है, उसी काम पर हम लोग लगे हैं। कहा कि वैश्विक निवेश सम्मेलन में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। उद्यमियों ने पहाड़ में पर्यटन में खासी रुचि दिखाई है, इसका लाभ भविष्य में यहाँ के लोगों को मिलेगा। हमने मेडिकल कॉलेज के 923 पद सृजित किए हैं और लगातार हम लोग जो है कि सरकार से इस पर वार्ता कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी से जल्दी जो पदों का सृजन हो गया है उन पदों को भरने का काम शुरू होगा और सीमांत जनपद पिथौरागढ़ की जनता को उस बेस हॉस्पिटल का लाभ, मैं समझता हूँ, बहुत जल्दी मिलेगा। इस मौके पर महामंत्री राकेश देवलाल, उपाध्यक्ष इंद्र लुंठी, जिला समन्वयक गहराज पांडे मौजूद रहे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा 15 दिसंबर को पिथौरागढ़ आएंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता में महेंद्र सिंह लुंठी ने बताया कि उनके दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। सुमंगलम बैंकट हॉल में जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन होगा। सभी जिलों में जिले को मजबूत, जिले को संगठन को मजबूत करने के लिए जिला स्तरीय सम्मेलन किए जा रहे हैं, जिसमें सभी क्षेत्र के विधायक, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, पूर्व बूथ के अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, क्षेत्र प्रमुख, ये सभी लोग उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन के दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों और वीरांगनाओं को सम्मानित किया जाएगा। अब अपने घर को बनाए और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहां आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर, तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चले आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ हिंदू जागरण मंच द्वारा आयोजित किए जाने वाले साप्ताहिक हनुमान चालीसा पाठ में इस बार पूर्व सैनिकों ने भाग लिया। बड़ी संख्या में गांधी चौक पहुंचे पूर्व सैनिकों ने हनुमान चालीसा पढ़ी। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, इस अवसर पर हिंदू जागरण मंच के दीपक तिवारी ने
पूर्व सैनिकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संपन्न कराने में सहयोग के लिए मानस एकेडमी के प्रबंधक डॉक्टर अशोक पंत का आभार जताया। मुनस्यारी की ऊंची चोटियों में बीती रात्रि जमकर बर्फबारी हुई। चोटियां चांदी सी चमक रही है। ताजा हिमपात से जहां तहसील क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है, वही प्रकृति का सौंदर्य खुलकर निखर आया है। बर्फबारी के बाद मुनस्यारी आए पर्यटक गदगद है। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।